बिना ज्ञान के हे मानव तेरी खेती सुख से। अरे सतगुरु भारी शिकार रे आज क्यों मौका चुके से। बिना ज्ञान के हे मानव तेरी बिना ज्ञान के हे मानव तेरी खेती सुख से। सतगुरु भारी शिकार रे आज क्यों मौका चुके से। सतगुरु बताया सतगुरु सच्ची कह रहे तुम्हें आज मौका देख लो। संतों के सत्संग में एक बार आके देख लो। संतों के सत्संग में एक बार आके देख लो। सतगुरु सच्ची सतगुरु सच्ची कह रहे तुम्हें आज मौका देख लो। संतों के सत्संग में एक बार आके देख लो। संतों के सत्संग में एक बार आके देखियो। मेरे बह इच्छा फल पाओगे तुम काके देख लो। हाँ इच्छा फल पाओगे तुम काके देख लो। बिना ज्ञान के मानव तेरे ज्ञान के मानव तेरे खेती सुखे से। सतगुरु बारी कैसे महापुरुषों ने कैसे बताया। भाई इबके मुकर चूक गया तू फिर पछतावेगा। अठे नंबर तेरा सब ते पीछे आवेगा। इबके नंबर तेरा सब ते पीछे आवेगा। यही अवसर है अपने जीवन को सार्थक बनाने का। इस अनमोल समय को पकड़ लीजिए और अपने तन मन को गुरु चरणों में समर्पित करके गुरु नाम पर मिट जाइए ताकि हमारे जीवन का कल्याण हो सके। और बता कैसे महापुरुषों ने कैसे बताया।
श्रद्धा महापुरुषों ने केवल अनमोल वस्तु जिसके चाहे तू भटक रहा है वो सतगुरु रविदास महाराज सतगुरु स्वामी समनदास महाराज के सत्संग में ही प्राप्त की जा सकती है। अन्यथा संसार में हुई भ्रमित रह जाएगा। अगर वो चमक हासिल करनी है तो गुरु रविदास महाराज के सत्संग में तुझे तन मन धन से आना पड़ेगा। और बता कैसे महापुरुष होने कैसे बता संतों के सत्संग में मिल जा मोती ज्ञान के मोती ज्ञान के तेरे संतों के सत्संग में मिल जा मोती ज्ञान के फुले रह रे भंडार यहाँ ही रोटी खान के भाई खुल रहे भंडार यहाँ सतगुर के ज्ञान के तेरे संतों के सत्संग में मिल जा मोती ज्ञान के खुल रहे भंडार यहाँ सतगुर के ज्ञान के भाई खुल रहे भंडार यहाँ सत गुर के खान के गुरु ग्रंथ साहिब ते मिल जा वेद पुराण से सतगुरु सकल मिला दे तेरी इस जहान से सतगुरु सकल मिला दे तेरी इस जहान से बिना ज्ञान के मानव तू बिना ज्ञान की मानव तेरी खेती तू कैसे सतगुरु बारिश कर ले आज क्यों मौका चुका दे सतगुरु बारिश कर ले आज क्यों मौका चुका दे रविदास महाराज ने अपनी पंक्तियों में कुछ ऐसे शब्दों का बखान किया सभी के सुनने की बात है चाहे वो गृहस्थी हो महात्मा हो कोई भी हो सभी ने सतगुरु रविदास महाराज के शब्दों को सुना और उन्हीं के जरिए संसार भव सागर से पार हुए और ये शब्द भी सतगुरु रविदास महाराज के सारांश से है उन्हीं का लिखे हुए है और क्या लिख दिया रविदास महाराज ने जरा गौर से सुनेगा सभी क्या लिखा है रे जिस मानो पे जीने का सही ढंग अजागा उसका घमंड सोचों को दूर चला जागा उसका घमंड सोचों को दूर चला जागा जिस मानो पे जीने का सही ढंग अजागा उसका घमंड सोचों दूर चला जागा
घमंड सो तो को तू चला जाबा। इरे काम क्रोध मद मोह लोभ पन जो को खजागा करवी दास वो नर भाई मुक्ति पजागा। करवी दास वो नर भाई मुक्ति पजागा। बिना ज्ञान के है मानव तेरी, बिना ज्ञान के है मानव तेरी, खेती सुख दे शत्रु वश कर ले आज क्यों मौका चुका दे शत्रु वश कर ले आज क्यों मौका चुका दे शत्रु वश कर ले आज क्यों मौका चुका।